पंजाब से आपने मेनली कार ली है, हरियाणा में आपसे बुक कराई थी, नंबर आपने चंडीगढ़ का लगाया। हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू 2022 हुंडई i20 और आज की इस वीडियो के अंदर हम इस कार का ओनरशिप एक्सपीरियंस लेने वाले हैं राघव से, जिनका की खुद का यूट्यूब चैनल है गैराज रिव्यूज के नाम से। तो हाय राघव, कैसे हो आप? वेलकम टू माय चैनल। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो राघव, पहला क्वेश्चन ये है कि आपने ये कार कब ली थी? मैंने ये कार अभी अप्रैल 2022 में ही ली है, 2nd of April वाज द एग्जैक्ट डेट। तो यार, मेनली जो दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि बलेनो क्यों नहीं ली, मतलब सबसे ज्यादा इसका मेजर कंपटीशन बलेनो के साथ ही है और तब तक नई बलेनो मेरे हिसाब से आ चुकी थी मार्केट के अंदर। आ गई थी। सो मेरा जो मेन रीजन था वो ये था कि मेरा जो बजट था दैट वाज 8 लाख एंड वो स्ट्रिक्ट बजट था, मैं उससे और इंक्रीज नहीं कर सकता था। तो इसके अंदर जो मेरे बजट में थी, एक तो इसका बेस मॉडल था i20 का एंड बेस मॉडल था ऑफ द बलेनो। तो बेस मॉडल्स को ही अगर मैं कंपेयर करता ना, तो इसके अंदर जो मुझे फीचर्स मिल रहे थे कंपेयर टू जो द फीचर्स जो मुझे बलेनो में मिल रहे थे, देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस। हाँ, मैं मानता हूँ कि बलेनो के अंदर हमारे पास ऑटोमेटिक एसी जैसी बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स भी थे, बट एसेंशियल फीचर्स जैसे अगर मैं बात करूँ, रेडियो तक उस गाड़ी में नहीं था एंड अगर मैं रेडियो बाहर से लगवाना चाहता तो मेरी वारंटी खत्म हो जाती। शोरूम से ही अगर मैं लगवाता तो वो 35,000 में को बोल रहे थे, जो कि मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा था। और जैसे बलेनो का डेल्टा वेरियंट भी आता तो वो इससे अराउंड मेरे हिसाब से 25-30,000 रुपीस थोड़ा सा महंगा पड़ता, तो वो आप ले सकते थे। उसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो सब भी आ जाता है, तो उतना तो बजट का कोई मतलब नहीं कह सकते कि 25-30 तो मैनेजेबल रहता है। आई एग्री विद दैट। सेकंड जो रीजन था वो ये था वेटिंग पीरियड का। हालांकि i20 के ऊपर भी वेटिंग पीरियड था 2 महीने का, लेकिन मेरी किस्मत थोड़ी ऐसी थी कि 31 मार्च को मैंने गाड़ी की बुकिंग करवाई थी, जो कि वैसे भी ईयर एंडिंग होता है, थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है, तो मुझे 10-15,000 का डिस्काउंट इसके ऊपर मिल गया था। एंड दूसरी चीज़ ये था कि ये वाला ना किस्मत से ये था कि किसी ने बुकिंग करवा रखी थी इसी वाइट कलर की ही, एंड उन्होंने एंड मोमेंट पे जब उन्होंने डिलीवरी लेनी थी उन्होंने वो कैंसिल करवा दी, तो ये अवेलेबल खड़ी थी शोरूम पे। तो आपको वाइट ही लेनी थी स्टार्टिंग मुझे से? वैसे तो इसका जो ग्रे, जो डार्क ब्लैक वाला कलर आता है वो लेना था, बट क्योंकि वो उसके ऊपर अगेन 2 महीने की वेटिंग थी, ये खड़ी ही थी शोरूम पे, तो फिर मैंने सोचा कलर के पीछे मेरे को वेट नहीं करना। मेरा भी i20 के अंदर ग्रे ही फेवरेट कलर है, तो ग्रे ही सबसे बढ़िया लगता है। बड़ा सिनिस्टर का कलर है वो, बहुत अच्छा लगता है। हालांकि व्हाइट का भी अपने ही एक वो, मतलब एक क्लासिक अलग कार लगती है व्हाइट, तो व्हाइट भी कोई बुरा नहीं था इसलिए मैंने ये लिया। रेड जैसा कलर होता तो मैं मना कर देता, बट व्हाइट भी मेरे को बुरा नहीं लगा। और जैसे मतलब पेट्रोल में 1.2 लीटर वाली है ये, तो 1.0 टर्बो पेट्रोल ना लेने का मेनली बजट रीजन आप क्या सकते? बजट वाज द ओनली रीजन। मैं तो खुद एक कार एंथुसियास्ट हूँ, मुझे तो गाड़ी थोड़ा टर्बो वाले वैसे ही अच्छा लगता है, मेरे को मॉडिफाई भी करवानी है अपनी गाड़ी। फ्यूचर प्लान अभी तो नहीं, वारंटी में है तो 1-1.5 साल तो मैं नहीं छेड़ूंगा, बट मेरे को तो वैसे भी गाड़ी अपनी ट्यून करवानी है, परफॉर्मेंस मॉड्स करवाने हैं, तो उसके लिए टर्बो मच बेटर रहती, बट वही है मेरा बजट बहुत कंस्ट्रेंट था। ठीक है, एंड अभी तक कितनी आप इसे चला चुके हैं? मेरी गाड़ी 10,500 का क्रॉस कर चुकी है एंड अगेन 7 महीने ही हुए हैं, फर्स्ट सर्विस गाड़ी की हो चुकी है। फर्स्ट सर्विस मतलब लाइक 10,000 वाली मेजर सर्विस को आप फर्स्ट कह रहे हो? राइट, वो उसी को फर्स्ट सर्विस, हाँ, उसी को मेनली कहते हैं, बट कंपनी के हिसाब से तो थर्ड है। होती है वो, तो मतलब वो गाड़ी उन्होंने बस धोखे मुझे वापस दी थी, उन्होंने बस ये पूछा था मुझसे कि गाड़ी में कोई इश्यूज है या नहीं, तो वो मैंने मना किया, तो वो सेट की। तो उसमें आपका अभी मतलब बेसिकली 10,000 वाली सर्विस के अंदर कितना बिल आया? देखो, जब मैं शोरूम पे पहुंचा तो उन्होंने 4,500 का बिल मेरे को थमा दिया कि ये चीज़ें होने वाली है गाड़ी के अंदर, एंड मैंने उसके ऊपर थोड़ा क्लोजली मैंने जब उसको देखा तो उन्होंने बहुत फालतू की चीज़ें एंड काफ़ी महंगी चीज़ें लगा रही थी, जैसे व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग 1,200 रुपीज़ की थी जो कि मैंने बाहर से 500 रुपये में करवा ली, डोर ग्रीसिंग 500 रुपीज़ एंड वो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी भी है, क्योंकि 10,000 रुपये डोर ग्रीसिंग पहली बार कराने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़, 500 रुपये में ग्रीस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इंजन कोटिंग थी उनकी गाड़ी के ऊपर 300 रुपये की, जो कि वो सिर्फ एंटी रोडेंट स्प्रे मारते हैं, मैं ऐसी कोई जगह पे नहीं रहता जहाँ चूहे वगैरह की दिक्कत रहती, तो वो भी मुझे करवाने की जरूरत नहीं थी। तो ओवरऑल जो मेरा एसेंशियल चीज़ों की जो मेरी सर्विस हुई है वो 2,200 रुपये में टोटल हुई है, 500 रुपये बाहर से मैंने व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग करवाई थी, तो ओवरऑल 2,700 रुपये। और अभी तक इसके अंदर आप क्या क्या मॉड्स मतलब चेंजेस वगैरह क्या क्या मेनली करवा चुके हो? बहुत बहुत ज़्यादा छोटे छोटे चेंजेस हैं। एक तो क्योंकि बेस मॉडल में लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील नहीं आता, तो मैंने इसके अंदर लेदर रैप एक चढ़वाया है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। दूसरी चीज़ जो मैंने करवाई है वो एक तो ये स्टिकर्स लगवाए हैं मैंने, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे गाड़ी के ऊपर जो मैंने टायर स्टिकर्स आते हैं, टायर स्टिकर्स मैंने खुद DIY किया है, वो पेंट मैंने किया है उसके ब्रिजस्टोन वगैरह का, जो चलते हुए गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो वो एक पर्सनल प्रेफरेंस थी। उसके अलावा एक डैश कैम लगा हुआ है गाड़ी में, दैट्स इट। अच्छा, बाकी यार ऐसे कुछ यहाँ पे इंटीरियर्स आपको मिल जाते हैं ऑल ब्लैक के अंदर ही आते हैं,
म्यूजिक सिस्टम इसका वही मतलब पुराने टाइप वाला है, टूडन वाला है, टच स्क्रीन वगैरह, इसको चेंज कराने का नहीं मन कर आपका? नहीं, मुझे पर्सनली टच स्क्रीन का सिर्फ एक फायदा लगता है एंड दैट इज मैप्स एंड नेविगेशन। नेविगेशन के अलावा मुझे टच स्क्रीन यूज करने का इतना कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं है, क्योंकि मेनली चाहिए कॉलिंग और ब्लूटूथ ही होती है जो कि इसके अंदर है गाने वगैरह चलाने के लिए, बाकी मुझे स्क्रीन थोड़ी डिस्ट्रैक्टिंग लगती है तो नहीं। एंड हेडलैम्प्स का कैसा रिस्पॉन्स है, मतलब एलईडीज में इसको चेंज कराने का नहीं सोचा? हेडलैम्प्स एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि जिन लोगों ने टॉप मॉडल भी ले रखा है, मैंने i20 ओनर्स क्लब ज्वाइन किया हुआ है जिसके अंदर ऐसे अपडेट्स आते रहते हैं, सबको ही इसकी जो हेडलाइट परफॉर्मेंस है वो थोड़ी खराब लगती है। बेस मॉडल का तो क्योंकि हैलोजन आते हैं वो तो थ्रो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। हाईवे पे मेरे को बहुत दिक्कत आती है, सिटी में चल जाता है कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे पे दिक्कत आती है, तो वो मुझे चेंज जरूर करवाने हैं। जैसी मतलब एक साल हो जाता तब मैं करवाऊंगा, क्योंकि अब मुझे वारंटी छेड़नी है। एंड ये जो व्हील कवर्स है ये पहले ही ब्लैक आए थे या मतलब मेरे हिसाब से सिल्वर आते थे ना शुरू में? तो 2022 से पहले मतलब 20 और 21 वाले वेरिएंट्स में सिल्वर आते हैं, 2022 में ब्लैक फ्रॉम शोरूम से हो गए। या तो राघव, जैसे कि आपको काफी टाइम हो चुका है, मतलब 7 months हो चुके हैं, तो कार के बारे में ना पॉजिटिव और नेगेटिव्स क्लियर हो जाते हैं इतने टाइम में 10,000 चलाने के बाद भी, तो सबसे अच्छा पॉइंट इस कार का आपको क्या लगता है? ड्राइविंग एक्सपीरियंस और जो इसका साउंड सिस्टम मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड नेगेटिव? नेगेटिव दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज, इस कार की जो सस्पेंशन है वो मुझे बहुत सॉफ्ट लगती है, जो कि फ्रॉम अ सिटी ड्राइव पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छी चीज है क्योंकि कंफर्टेबल रहती है गाड़ी, लेकिन हाईवे पे अगर मैं बात करूं तो इस गाड़ी के अंदर अगर तो मैं स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूं तो अगर मैं 100-120 भी ले जाता हूं दिक्कत नहीं आती, बट जैसे ही हाईवे के ऊपर या तो वो छोटे छोटे स्लैट्स आते हैं ना हाईवे के ऊपर वो उसके ऊपर अगर मैं निकलता हूं या फिर हाईवे पे जरा भी कर्व होता है तो मुझे ये गाड़ी थोड़ी अनस्टेबल लगती है उस टाइम पे, एंड वो इसकी सस्पेंशन की वजह से ही है। तो गाड़ी अगर थोड़ी हार्ड सस्पेंशन आती थी थोड़ा बेटर होता। दूसरी चीज, इसका जो साउंड सिस्टम है, जैसे ही गाड़ी आप बंद करके ऑन करते हैं, जैसे रेड लाइट पे आप खड़े हैं आपने गाड़ी बंद कर दी, उसके बाद जब आप स्टार्ट करते हो ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसको वापस कनेक्ट होने में 20 सेकंड लग जाते हैं जो कि मुझे बहुत अनॉइंग लगता है वो चीज़। और परफॉर्मेंस रिलेटेड आपको मेनली कार कैसी लगती है, मतलब 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ ही आती है जो कि 82 PS के अराउंड शायद पावर जनरेट करता है, 82.6 है तो 83 जनरेट करता है, तो परफॉर्मेंस वाइज कैसी लगती है? मुझे एज सच कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फ्रॉम अ फैमिली कार पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि है तो ये 1.2 लीटर इंजन ही है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इंजन परफॉर्मेंस वाइज बनाई भी नहीं गई है गाड़ी देखकर, तो इसीलिए अगर मैं बात करूँ सिटी में तो परफॉर्मेंस वाइज पिकअप वाइज कोई दिक्कत नहीं है। हाईवे पे भी अगर मैं चला रहा हूँ, मुझे अगर किसी को ओवरटेक करना है एक छोटा सा गियर डाउन एंड गाड़ी की पिकअप अच्छी रहती है। अगेन पेट्रोल कार है तो 4,000 RPM पे मैं जैसे ही लेकर जाऊंगा तो उसके बाद तो ये और ज़्यादा खींचने लग जाती है, तो ओवरऑल मुझे परफॉर्मेंस एज कोई दिक्कत नहीं है कभी। और जब आप इसे ले रहे थे तो मेनली कौन सी और कार्स को आपने कंसीडर किया था? मैंने सिर्फ बलिनो और ग्लांजा, तो मतलब वो दोनों तो सेम ही है, सिर्फ उन्हीं को कंसीडर किया था, क्योंकि अल्ट्रॉस मैंने जब खुद रिव्यू किया था मुझे वो बड़ी कमर्शियल सी फील आई थी उस गाड़ी में चलाते हुए, तो वो एक तो 3 सिलेंडर में आ जाती है, वो मुझे पसंद नहीं आई, गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस ही मुझे पसंद नहीं आया, वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्ड क्वालिटी कहीं ना कहीं मैटर नहीं करी, 5-star वो दे रही है, यहाँ पे मतलब 3 मिल रहे हैं। वो आई एग्री, मतलब बिल्ड क्वालिटी एक ऐसी चीज थी जो कि i20 में मुझे लगा एंड बलिनो मतलब स्पेशली वो बिल्कुल ही गंदी है, बट 3-star में बहुत ज्यादा गंदी नहीं बोलूंगा, मतलब अप्रिशिएबल है। 5-star तो ऑब्वियसली बेस्ट रहता है, बट अगेन अगर उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ही मुझे पसंद नहीं आया तो लेने का फायदा नहीं। और इसके अलावा और कोई कार है अभी आपके पास? मेरे पास एक डिजायर है, मतलब डैड की कार है, वो 2011 में। अच्छा 11, और उसके बाद आपने अभी ये लिया डायरेक्टली, ये अपनी पर्सनल आपकी कार है। बाकी अरे जैसे पेट्रोल वाली i20 है तो इसके अंदर आपको माइलेज कितनी मिल जाती है? मैं तो यूजली डीजल कार्स ही यूज़ करता हूँ, तो वो डीजल में तो मेरे पास मतलब इसी सेगमेंट के अंदर बलेनो है तो वो मेरे को अराउंड 21 के आसपास लोकल सिटी में माइलेज दे देती है, बिना मतलब निकाले मतलब ऑटोमेटिकली मतलब नॉर्मल ड्राइविंग के हिसाब से मतलब 21 के आसपास दे देती है, तो आपको इससे कितनी मिलती है? देखो यार, जब मैंने गाड़ी ली थी इन अप्रैल तो गर्मियां थी, उस टाइम पे एसी फुल ऑन चलता था, तो एसी की वजह से मैंने एक चीज़ नोटिस करी इस गाड़ी का, जैसे ही एसी ऑन हो जाता है तो एवरेज बहुत ज्यादा गिर जाती है, मतलब यूजुअली कार्स में आप एसी ऑन करोगे तो 1-2 का फर्क पड़ता है जो कि अंडरस्टैंडेबल है, बट इस गाड़ी में मैंने 5 का डिफरेंस नोटिस किया है एंड जो कि मुझे बहुत लगता है, क्योंकि जब मेरी गाड़ी की एसी वगैरह ऑन रहता था, नई गाड़ी थी तो 12-13 इतनी रहती थी एवरेज, आजकल मैंने इस गाड़ी का बिल्कुल एसी ऑफ करके चलाता हूं क्योंकि सर्दियां हो गई हैं तो जरूरत नहीं पड़ती, शीशे हल्के हल्के नीचे, मेरे को ऑनेस्टली इस गाड़ी से 19-20 की एवरेज आई है। वो निकाल लिया आपने? निकाली है। ये डिफरेंस जरूर है अगर मैं, बट एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, अगर मैं नॉर्मली भी चलाता हूँ इसको एसी ऑफ करके तो भी मुझे 17 की एवरेज सिटी में दे देती है एंड हाईवे पे मुझे 20-21 की एवरेज मिल जाती है इससे,
जो कि मुझे किसी भी एंगल से बुरी नहीं लगती। एंड हाईवे से जैसे एक क्वेश्चन राइज हो जाते कि हाईवे में मतलब इसे अभी तक कहाँ कहाँ आप लेके जा चुके हैं? मैं मतलब यूजुअली मेरी ड्राइविंग जो है वो यही दिल्ली तक रहती है। यूजुअली अगर मैं बात करूँ डे टू डे लाइफ में पटियाला तक चली जाएगी, बट लाइक वंस इन अ मंथ या ट्वाइस इन अ मंथ मेरा दिल्ली का चक्कर लग जाता है जहाँ पर ये चलती है। एंड प्रॉपर मतलब तीन चार लोग बैठ के उनका सामान वगैरह रख कर जाती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेला मैं जा रहा हूँ। तो भी गाड़ी कहीं दबती नहीं है, परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं आई, एवरेज में कोई दिक्कत नहीं आई, ओवरऑल अ वेरी गुड कार। कार से थोड़ा सा एक हटके क्वेश्चन है कि बेसिकली आप वैसे क्या करते हो? मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है वैसे तो, आई स्टार्टेड इन मे 2019, आई हैव अराउंड 14,000 सब्सक्राइबर्स ऑन इट। कार्स का रिव्यू करता हूँ मैं, आई हैव अ पैशन फॉर कार्स, अगर आपको पता चल गया होगा। एंड यही मेरा मेन मोटिव है कि आप लोगों के साथ मैं अपनी कार्स की नॉलेज शेयर करूँ थोड़ी, एंड मेरे को खुद जो टाइम स्पेंड करने को मिलता है इनके साथ। वैसे आई ऑल्सो रन अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो जस्ट स्टार्टेड अभी, आई हैव जस्ट पास्ड आउट ऑफ कॉलेज, तो दैट्स जस्ट अ स्टार्टअप, बट उसमें भी मेरा काम चल रहा है। और गाइस ये है इनका चैनल का नाम, जैसे कि आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अब बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में, तो कितने की आपकी कार पड़ी थी अप्रैल के अंदर? सो बेसिकली द थिंग इज, मैंने जब अब ये गाड़ी ली थी उस टाइम पे उन्होंने जो मुझे बोला था दैट वाज ऑन रोड प्राइस इस कार का मुझे चंडीगढ़ में पड़ रहा था 7,70,000 विदाउट एनी डिस्काउंट। बट क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग थी एंड मैं उनको बोल रहा था कि मेरे को गाड़ी लेने की जल्दी है सब कुछ, वो बात वगैरह करके मुझे उन्होंने 15,000 का डिस्काउंट दिया था, तो मुझे ये ऑन रोड गाड़ी जो पड़ी है दैट इज 755। और जैसे आपने बताया था आपने कि पंजाब से आपने मेनली कार ली है, हरियाणा में आपने बुक कराई थी, नंबर आपने चंडीगढ़ का लगाया, तो ये क्या लॉजिक है, सीधा चंडीगढ़ ही बुक करा लेते? एक्चुअली बात ये थी कि मैंने Hyundai के जो मैंने अपने घर पे बुक करवाई थी टेस्ट ड्राइव फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसीलिए Hyundai की वेबसाइट से उन्होंने जो भी मेरे घर का नियरेस्ट शोरूम था उन्होंने वहां पे मुझे उसका टेस्ट ड्राइव बुक करवाया था। तो वो पंचकुला के शोरूम से आए थे मुझे टेस्ट ड्राइव देने के लिए, तो इसी बात ही उनसे हुई थी, घर पे ही मैंने बुकिंग करवाई थी, मैं शोरूम पे भी नहीं गया था क्योंकि टेस्ट ड्राइव घर पे हो गई थी, गाड़ी वहीं देख ली थी, तो इसीलिए मेरी बुकिंग पंचकुला वाले शोरूम पे हुई थी हरियाणा के अंदर। बाकी मेरे जो एड्रेस प्रूफ वगैरह हैं वो सारे चंडीगढ़ के रहते हैं, तो बुकिंग का ऑब्वियसली। और डिलीवरी आपने जैसे बताया कि आपने डिलीवरी पंजाब से ली, तो उसका क्या सीन बना? एक्चुअली पंचकुला मैंने बर्कले Hyundai से ली थी, तो उनके दो शोरूम्स हैं, एक जीरकपुर एंड एक पंचकुला। तो एक्चुअली ये कार जो थी वो, क्योंकि मैंने आपको बताया वो किसी ने अपनी कैंसिल करवा दी थी बुकिंग, तो उन्होंने जीरकपुर वाले शोरूम से लेनी थी, तो इसलिए गाड़ी वहीं खड़ी थी और डिलीवरी मैंने वहीं से ली थी। अच्छा, तो राघव अब ये मेरा आपसे फाइनल क्वेश्चन है कि आप कितने ज्यादा सैटिस्फाइड हैं इस कार से, मतलब अगर 10 में से रेट करें तो आप कितने रेटिंग देंगे इसको? यार मैं इस गाड़ी को ऑनेस्टली 9 out of 10 दूंगा, एक्चुअली 9.5 out of 10 ही दूंगा। एंड वो आधा नंबर भी जो मैं काट रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि अगेन ड्राइविंग एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस गाड़ी की वो सस्पेंशन वाली मैंने एक चीज बताई थी वो मुझे लगा, क्योंकि गाड़ी की थोड़ी सी स्टेबिलिटी एट थोड़े बहुत टर्न्स पे मेरे को कम लगती है, बट उसके अलावा दिस कार इज बिल्कुल परफेक्ट। स्पेस मुझे इस गाड़ी में बहुत अच्छी लगती है, फैमिली के साथ अगर जैसे मैं दिल्ली वगैरह जब जाता हूँ तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है, चार लोग हम हैं, सामान होता है गाड़ी में, लेग स्पेस बहुत अच्छी है इस गाड़ी की। ड्राइविंग एक्सपीरियंस मुझे इतना पसंद है इस गाड़ी का कि यूजुअली ऐसा होता है कि अगर आपको किसी लंबे ट्रिप पे जाना हो या फिर ट्रैफिक वगैरह जाना हो ना, लोगों का मन नहीं करता क्योंकि है भी मेरी मैनुअल, बट मेरा ऑनेस्टली दिल करता है इस गाड़ी को रोज चलाने का। मेरे को अगर कोई बोलता है कि कहीं जाना है तो मेरा आई गेट अ स्माइल ऑन माई फेस कि हाँ मेरे को फिर से गाड़ी चलाने को मिलेगी। आई लव दिस कार, इसका इसके फीचर्स जो एसेंशियल फीचर्स बेस मॉडल से मुझे देखने को मिल गए थे, जो सारे मेरे को फीचर्स चाहिए थे इनफैक्ट वो सब मेरे को इस गाड़ी में मिलते हैं। साउंड एक्सपीरियंस इस गाड़ी का बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि यूजुअली मैं चलाता भी गाड़ी अकेला ही हूँ ज्यादातर, अगर जैसे सिटी वगैरह में जाना होता है तो साउंड एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मुझे इस गाड़ी में मिल जाता है। सो ओवरऑल आई एम वेरी सैटिस्फाइड। ठीक है, तो मतलब अगर आज अगर आपको फिर से 8,00,000 रुपीज दिए जाए तो फिर से आप इसी कार को लेना चाहोगे आज के टाइम? नो क्वेश्चंस आस्क्ड, यस। ठीक है, तो इसी के साथ करते हैं यार इस वीडियो को यहीं पेंट। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो जरूर से वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ शेयर भी कर दे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड अगर आप भी अपनी कार का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे आपको मेरी मेल आईडी दिख रही होगी, आप यहाँ पर मेरे को मेल कर भी अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। एंड मैं मेनली हूँ चंडीगढ़ से, तो आप चंडीगढ़ जीरकपुर पंचकुला मोहाली खरड़ इस साइड के एरिया में अगर रहते हैं तो ज़रूर से मेरे को DM करें। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। थैंक यू।